हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू टेक्सटाइल। तो इन टुडेज वीडियो मैं कुछ टर्मिनोलॉजी है जो टेक्सटाइल से रिलेटेड है उसके बारे में डिस्कस करूंगी। सो द फर्स्ट वन इज फाइबर। इट इज डिफाइंड एज थिन, फाइन एंड हेयर लाइक सब्सटेंस, नेचुरल और मैन्युफैक्चर्ड। तो मैन्युफैक्चर्ड को हम सिंथेटिक भी बोल सकते हैं, विद अ हाई लेंथ टू विथ रेशियो एंड विथ अप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज फॉर बीइंग प्रोसेस्ड इनटू अ फैब्रिक। फाइबर क्या होता है? एक थिन, फाइन और हेयर लाइक सब्सटेंस होता है जिसको कि हम नेचुरल सोर्सेज से भी प्राप्त कर सकते हैं एंड मैन्युफैक्चर सोर्सेज से भी। तो इसमें प्रॉपर्टी होती है विद अ हाई लेंथ टू विथ रेशियो। तो फाइबर की जो लेंथ होती है वो अकॉर्डिंग टू इन कंपेरिजन टू विथ जो होगी वो ज्यादा होगी। लेंथ विड्थ से ज्यादा होती है फाइबर की। जो विड्थ का रेशियो होता है, जो डायमीटर होता है, वो बहुत कम होता है। एंड विद एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज फॉर बीइंग प्रोसेस्ड इनटू फैब्रिक। तो जो भी प्रोसेसिंग की जाती है फाइबर को, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसेसिंग के थ्रू गुजारा जाता है जिससे कि फैब्रिक बन सके। तो फाइबर क्या है? एक थिन, फाइन और हेयर लाइक सब्सटेंस है जो कि हम डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेस से उसको प्राप्त कर सकते हैं। सो नेक्स्ट अब इज यार्न। अब फाइबर जो हमने ले लिया, सपोज हमने कॉटन का फाइबर है वो सीड से मिलता है, कॉटन बॉल से मिलता है, वो हमने ले लिया, उसकी क्लीनिंग की और डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस की, तो उसके थ्रू हम फिर यार्न बनाएंगे। तो यार्न क्या है? इट इज डिफाइंड एज अ लीनियर फॉर्म ऑफ फाइबर्स ट्विस्टेड एज अ कंटिन्यूस स्ट्रैंड दैट कैन बी मेड इनटू अ फैब्रिक। तो यार्न को बनाने के लिए भी हमें प्रोसेसिंग करनी होती है, उसमें ट्विस्टिंग करनी होती है। और आपको पता होगा देयर आर टू काइंड ऑफ ट्विस्टिंग, एस ट्विस्टिंग एंड जेड ट्विस्टिंग। तो डिफरेंट डिफरेंट जिस तरीके का फैब्रिक आपको बनाना है उस तरीके से फिर हम यार्न बनाएंगे। तो फाइबर के बाद यार्न बनेगा एंड देन यार्न के बाद फैब्रिक बनता है। सो नेक्स्ट अब इज फैब्रिक। फैब्रिक इज प्रोड्यूस फ्रॉम अ यार्न बाय परफॉर्मिंग मैकेनिकल ऑपरेशंस एज इंटरलेसिंग और इंटरलूपिंग और इंटरमेशिंग प्रोसेस। एट दिस स्टेज द फैब्रिक इज रिफर्ड टू एज ग्रे क्लॉथ। ठीक है, तो फैब्रिक जो होता है वो मैकेनिकल ऑपरेशंस के थ्रू बनाया जाता है, जैसे इंटरलेसिंग, इंटरलूपिंग और इंटरमेशन प्रोसेस। इंटरलेसिंग में आप देख सकते हैं इंटरलेसिंग से क्या बनता है, वोवन फैब्रिक। इंटरलूपिंग से बनता है निटेड फैब्रिक एंड इंटरमेशन से बनता है नॉन वोवन फैब्रिक। तो ये डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ ऑपरेशंस हैं जिनके थ्रू हम फैब्रिक को बना सकते हैं। एट दिस स्टेज द फैब्रिक इज रिफर्ड टू एज अ ग्रे क्लॉथ। तो ग्रे क्लॉथ बोलते हैं किसे, जब फैब्रिक पे कोई भी फिनिशिंग अप्लाई नहीं होती है, जस्ट वो लूम पे जब बन के तैयार होता है उसको हम ग्रे क्लॉथ बोलते हैं। अब हम एक छोटा सा डिफरेंस देख लेते हैं इंटरलेसिंग, इंटरलूपिंग एंड इंट्रालूपिंग में। इंटरलेसिंग में क्या होता है, ड्यूरिंग स्टिचिंग व्हेन वन लूप ऑफ वन थ्रेड पासेस ओवर अनदर लूप ऑफ अनदर थ्रेड। जब कोई एक लूप का एक थ्रेड पास हो दूसरे थ्रेड से, उसको हम बोलते हैं इंटरलेसिंग, जैसे नॉर्मल कोई भी वुवन क्लॉथ को बनाया जाता है। इंटरलूपिंग को क्या, इंटरलूपिंग में क्या होता है, स्टिचिंग के दौरान जो भी लूप उस दूसरे थ्रेड के लूप से पास होता है, इंटर का मतलब ये होता है कि दूसरे किसी चीज से, मतलब दूसरी चीज, मतलब दो लोग उसमें इन्वॉल्व हो या दो चीज इन्वॉल्व हो। तो इंटरलूपिंग में जब कोई भी लूप, एक थ्रेड का लूप जब दूसरे थ्रेड के लूप से पास होता है तो उसे इंटरलूपिंग बोला जाता है। अब नेक्स्ट है इंट्रालूपिंग। इंट्रालूपिंग में क्या होता है, जब कोई थ्रेड, when the one thread passes through the loop of same thread, जब एक ही थ्रेड को लूप बना बना के जब प्रोसेसिंग, जो फैब्रिक बनाने की प्रोसेसिंग होती है उसे हम इंट्रालूपिंग बोलते हैं। इंट्रा का मतलब विद इन, मतलब एक ही में। तो एक ही थ्रेड का लूप जब पास होगा और लूप बनाते बनाते जो फैब्रिक बनता है उसे हम इंट्रालूपिंग बोलते हैं। तो इंट्रालूपिंग और इंटरलूपिंग दोनों ही निटिंग फैब्रिक में हम देख सकते हैं।
तो जब हम हैंड नीट करते हैं तो इंटरलूपिंग प्रोसेस होती है, एंड जब हम मशीन्स के थ्रू जो निटिंग होती है उसमें इंट्रा भी यूज होती है और इंटर भी यूज होती है. तो दीज आर सम बेसिक टर्म्स. अब नेक्स्ट हम देखते हैं, पहले हमने फाइबर लिया, फिर यार्न हुआ एंड देन फैब्रिक. तो ये प्रोसेस, दीज आर द स्टेप्स टू मेकिंग द फैब्रिक. तो पहले फाइबर, देन यार्न एंड देन द फैब्रिक. सो अब फैब्रिक बनने के बाद कुछ प्रोसेसिंग होती हैं जो कि एस्थेटिक फीचर्स को एनहेंस करती है. तो पहले मैंने आपको बताया था ग्रे फैब्रिक होता है जिसपे कि कुछ भी प्रोसेस नहीं होता है, लेकिन उसके बाद जो फैब्रिक बन जाता है हम अपने अकॉर्डिंग, जैसा कस्टमर को चाहिए होता है तो उसके उसके डिजायर के अकॉर्डिंग हम उसमें चेंजेस करते हैं. जैसे उसमें एक होता है डाइंग. तो इट इज द कलरेशन ऑफ टेक्सटाइल सब्सट्रेट्स फॉर द पर्पस ऑफ इम्प्रूविंग द एस्थेटिक फीचर्स. इट इज अ केमिकल प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग कलर टू टेक्सटाइल सब्सट्रेट लाइक फाइबर, यार्न, फैब्रिक और गारमेंट बाय यूजिंग नेचुरल और सिंथेटिक डाइज. तो ये क्या होता है, कलरेशन होता है, प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हम फैब्रिक में, फाइबर में या यार्न में या फिर गारमेंट में कलर करते हैं. ये केमिकल प्रोसेस होता है. दीज आर डिफरेंट काइंड ऑफ डाइज होती है, बहुत तरीके की डाइज होती हैं. तो उनके थ्रू हम फैब्रिक में कलर करते हैं. तो ये डाइज जो होती है, जैसे फाइबर हमें नेचुरल और सिंथेटिक प्रोसेस से मिलते हैं, वैसे ही डाइज भी हम नेचुरल और सिंथेटिक तरीके से प्राप्त कर सकते हैं. तो टू काइंड ऑफ डाइज, नेचुरल एंड सिंथेटिक. अब डाइंग कर ली, तो डाइंग के बाद कुछ कुछ फैब्रिक में होते हैं प्रिंटिंग होती है. तो ये भी केमिकल प्रोसेस है, अप्लाइंग ऑफ डिजाइन टू द फैब्रिक फॉर फर्दर एनहेंसमेंट ऑफ एस्थेटिक फीचर्स बाय यूजिंग वेरियस टेक्निक्स. तो डिफरेंट काइंड ऑफ प्रिंटिंग होती है, ब्लॉक प्रिंटिंग, स्क्रीन प्रिंटिंग, हैंड प्रिंटिंग. तो बहुत काइंड डिफरेंट काइंड ऑफ प्रिंटिंग होती है जिसको कि मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी. तो डाइंग और प्रिंटिंग दोनों ही केमिकल प्रोसेस है, दोनों ही एस्थेटिक फीचर्स को एनहेंस करने के लिए यूज किए जाते हैं, जिससे हमारा फैब्रिक डेकोरेटिव हो जाता है और पहनने में फिर अच्छा लगता है. सो नेक्स्ट इज एम्ब्रॉयडरी. तो एम्ब्रॉयडरी भी एक एस्थेटिक फीचर को एनहेंस करती है. तो एम्ब्रॉयडरी इज द क्राफ्ट ऑफ डेकोरेटिंग फैब्रिक और अदर मटेरियल्स यूजिंग अ नीडल टू अप्लाई थ्रेड और यार्न. तो हम इसको हैंड एम्ब्रॉयडरी भी कर सकते हैं, मशीन एम्ब्रॉयडरी भी होती है. तो इसमें क्या होता है, यार्न होता है जो कि कलरफुल यार्न्स को हम डिफरेंट काइंड ऑफ एम्ब्रॉयडरी होती है. तो उनके थ्रू हम जब फैब्रिक पे करते हैं निडल से और काफी सारी चीजें इसमें यूज होती हैं. तो कौन कौन सी चीजें, मटेरियल्स यूज होते हैं, पर्ल्स, बीड्स, क्विल्स एंड सीक्वेंसेस, इनका यूज करके हम फैब्रिक को डेकोरेटिव बना सकते हैं. तो द नेक्स्ट टर्म इज फिनिशिंग. अब फिनिशिंग बहुत जरूरी होती है, ये फाइनल स्टेज होती है और केमिकल और कॉम्बिनेशन ऑफ मैकेनिकल प्रोसेसेस के थ्रू होती है. जब इसमें हम मैकेनिकल फिनिशिंग भी होती है और केमिकल फिनिशिंग होती है. केमिकल फिनिशिंग मतलब कुछ केमिकल्स का यूज करके हम फैब्रिक को फिनिश टच दें, या फिर मैकेनिकल भी कुछ मशीन्स का यूज करके जब हम फिनिशिंग देते हैं फैब्रिक को तो वो फिनिशिंग बोलते हैं. तो फैब्रिक जो होता है वो फिनिशिंग के थ्रू हम डिफरेंट प्रोडक्ट के तरीके से यूज कर सकते हैं. जैसे अब हमें होम फर्निशिंग फैब्रिक चाहिए तो उसमें डिफरेंट काइंड ऑफ फिनिशिंग होगी. अपैरल चाहिए जब हमें तो उसमें डिफरेंट फिनिशिंग होगी. इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स चाहिए तो उसमें डिफरेंट काइंड ऑफ फिनिशिंग उसमें अप्लाई करेंगे हम. तो ये होता है फिनिशिंग. तो फिनिशिंग बहुत जरूरी होती है फैब्रिक में, एंड डिफरेंट काइंड ऑफ फिनिशिंग होती है जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी. तो या तो ये आज हमारे कुछ टर्म्स थे. थैंक यू सो मच. आप लोग मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं और जो भी वीडियोस मैं बनाती जाऊंगी, जैसे जो जो कंप्लीट होती जाएगी उसके मैं पीडीएफ प्रोवाइड करूंगी. सो स्टे ट्यून्ड विद मी एंड थैंक यू सो मच.